पोस्ट ऑफिस से धोखाधड़ी कर रुपया गबन करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी सहायक जागपाल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। मामला राजनांदगांव जिले के अधीन धनगांव पोस्ट ऑफिस का है। यहां पदस्थ सहायक जागपाल मनोज ने जो है ग्रामीण खाता धारकों से सुकन्या समृद्धि योजना सहित विभिन्न योजनाओं के तहत जमा लगभग 14 लाख रुपए गबन कर लिए। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने ग्रामीणों के पैसे को विभागीय खाते में जमा नहीं किया और पासबुक में फर्जी एंट्री कर पैसे खुद ही रख लिए। वहीं जो आज खुलासा हुआ, साल 2018 से 2021 तक आरोपी धोखाधड़ी करते आ रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी सहायक जागपाल के खिलाफ धारा 420, 409 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। इसमें थाना लालबाग के ग्राम धनगांव डाकघर के जो डाकपाल हैं, सहायक डाकपाल मनोज कुमार तारमे के विरुद्ध प्रवर अधीक्षक दुर्ग संभाग की तरफ से शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था, जिस पर की जांच की गई और इसमें गबन का प्रथम दृष्टया मामला पाया गया, जिस पर की 409-420 का मामला पंजीबद्ध किया गया है और जिनके विरुद्ध साक्ष्य होने से इन्हें गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।